नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज बात करेंगे किस तरह से सिडको प्रोजेक्ट की जो रात का किस तरह से माहौल होता है, सिक्योरिटीज़ किस तरह से रहती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेली क्या किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए रात को, ताकि आपको इजी हो जब आप यहां पे शिफ्ट हो। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सिडको ने अभी हाल ही फिलहाल में 15 अगस्त को 4488 घरों की लॉटरी निकाली है। ये हमारे कोविड वॉरियर्स हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके लिए लॉटरी निकाली है। ये अलग अलग 5 नोड्स में नवी मुंबई के ये लॉटरी है। और इस लॉटरी के बारे में आपको अगर डिटेल्ड जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं, आइए। पर बता दूं आपको, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश है, पर ऐसे में ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लाइट्स यहां पे काफी तादाद में है और किसी तरह की दिक्कत की बात नहीं। आप देख सकते हैं LED लाइट्स यहां पे शुरू कर दी है, पूरी दुधिया लाइट है यहां पे, पूरी तरह से रोशनी दिखाई दे रही है यहां पे सड़कों पे भी। ये जो पूरा कैंपस है इसमें पूरी तरह से लाइट है, किसी तरह की डरने की बात नहीं। और जहां तक मैंने आपको बताया था कैंप अपनी जो बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग की जो पैसेजेस हैं उसमें भी लाइट्स शुरू हैं। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्डिंग के पूरे पैसेजेस में लाइट शुरू हैं और ये लाइट सुबह नेक्स्ट डे अगर दिन निकल जाता है उसके बाद भी ये लाइट शुरू रहती हैं, तो किसी तरह की दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं होती है यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी के, पर आज आपको सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ बातें बतानी थी, इसलिए मैंने बोला कि रात को वीडियो किस तरह से माहौल होता है सिडको के प्रोजेक्ट्स का वो आपको बता दूँ। जहाँ तक वॉचमैन की बात करें तो यहाँ 3 गेट हैं, 3 गेट पर वॉचमैन रहते हैं, अच्छी तादाद है उनकी वॉचमैनों की, 5 से 10 वॉचमैन से रहते हैं, कुछ गेट्स पे बैठते हैं। और फिर ये टर्न वाइज यहाँ पे जितना ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे राउंड अप के लिए भी आते हैं, रात को विसलिंग करते हैं यहाँ पे, जिस तरह से जो उनका प्रोटोकॉल होता है विसल्स भी मारते हैं, तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी बेहतरीन लगता है रात को। जैसे कि मैंने बताया, ये जो कुत्ते हैं आप देख रहे हैं, कुत्ते यहाँ पे, कुत्तों की दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो आपका जो मेन गेट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मेन गेट है उसकी आपको कीज़ बना के रखेंगे, क्योंकि कुत्ते यहाँ पे काफ़ी हैं और जो बच्चे आते हैं छोटे बच्चे उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप उनको गार्डन्स एरिया या फिर यहाँ पे जो लेके जाएंगे। तब आपके जो बिल्डिंग का जो गेट होता है उसकी मैं बात कर रहा था, ये जो मेन गेट है बिल्डिंग का आपका, इसकी चाबी आपको सुपरवाइज़र से लेनी पड़ेगी। इसकी 2 चाबी होती है, एक वो उनके पास रहती है और एक आपके पास रहती है। और क्यों लेनी पड़ेगी वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो गेट है अगर ये खुला रहेगा तो अगल बगल के जो एरियाज़ के जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो अंदर आ जाते हैं और पैसेज उसको ख़राब कर देते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि एक बिल्डिंग में 2 लोग आए हैं, 3 लोग आए हैं, तो उसकी वजह से कुत्ते काफ़ी आ जाते हैं और ये जो आपका पैसेज है वो ख़राब कर देते हैं। एक ये बात हो गई, और दूसरी ये बात है कि अगर आप लेट नाइट्स आते हैं, आपका ऑफिस का टाइमिंग 12 बजे के बाद आप छूटते हैं, आते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको इजी रहेगा कि आप उसको चाबी यूज़ करके उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से रात को आके इसको बंद कर सकते हैं।